So we have already seen that the uh, necessary condition for fz that is function complex function fz to be analytic. The necessary condition for function fz is equal to u plus i v to be analytic at all the points in a region r is dou u by dou x is equal to dou v by dou y and dou u by dou y is equal to minus dou v by dou x provided uh, all the partial derivatives of with respect to x and y are exist that is do u by do x do u by do y and do v by do x and do v by do y all exist and the sufficient condition for f z to be analytic is the sufficient condition the same as that of that that is do x uh, do u by do x is equal to do v by do y and do u by do y is equal to minus do v by do x. नेक्स्ट हम लोग एक एक करके दोनों को प्रूफ करेंगे आज के क्लास में हम लोग सिर्फ प्रूविंग देखेंगे कि किस तरह से कौची रामायण इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं नेसेसरी कंडीशन को और सफिशेंट कंडीशन को एंड देन इसके बाद के नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग एक दो क्लासेस में पूरा पूरी हम लोग फोकस होंगे कि क्वची रामायण इक्वेशन के एप्लीकेशंस में मतलब इससे प्रॉब्लम्स को, को कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कोई फंक्शन को एलैट्रिक फंक्शंस को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे अगर यू का वैल्यू दिया हुआ है तो वी कैसे फाइंड करेंगे व्ही दिया हुआ है तो यू कैसे फाइंड करेंगे या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन से एफ जेड कैसे फाइंड करेंगे तो ये सारा कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हम लोग को पहले ये प्रूविंग को बहुत अच्छे से देखना होगा तो एक एक करके हम लोग देखेंगे बहुत ही इजी मेथड है कहीं पे हो सकता है कि कंफ्यूजन लगे लेकिन काफी ईजी है सो फर्स्ट वी विल सी द नेसेसरी कंडीशन फॉर दैट लेट एफ जेड एनालिटिक फंक्शन इन रीजन कैपिटल आर एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी हम लोग ले लेंगे वेयर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई लेट डो यू एंड डो वी विद द इंक्रीमेंट ऑफ यू एंड वी रिस्पेक्टिवली क्रॉस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डो एक्स एंड डो वाई ऑफ एक्स एंड वाई ठीक है तो ये हमारा रिस्पेक्टिवली क्रॉस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट है विध रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई सो वी कैन राइट इट एज जेड के इंक्रीमेंट अगर हम लोग करेंगे तो जेड इज रिटर्न एज एफ ऑफ जेड इज रिटर्न एज जेड प्लस डेल्टा जेड एंड यू इज यू में इंक्रीमेंट हमारा हो गया डेल्टा यू एंड वी में इंक्रीमेंट हो गया डेल्टा वी सो यू प्लस डेल्टा यू एंड आई टाइम्स वी प्लस डेल्टा वी ना अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर वन मान लें और इसको इक्वेशन नंबर टू मान लें तो जैसे हम लोग डिफेंसीशन को रूल को यूज़ करते हैं हम लोग करेंगे टू इक्वेशन नंबर टू माइनस वन डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड तो हम लोगों ने वही किया है लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ़ जेड प्ल डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा यू प्लस डेल्टा वाई प्लस आई वी प्लस डेल्टा वी माइनस यू प्लस आई वी डिवाइड बाई डेल्टा जेड अगर हम लोग कैंसिल करें तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे उसी तरह से आई वी ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे सो हमारे पास होगा डो यू प्लस आई टाइम्स डो वी डिवाइड बाई डेल्टा जेड इसको अगर हम लोग अलग अलग ब्रेक कर लें तो ये हमारा हो जाएगा डो यू बाई डो जेड प्लस आई टाइम्स नॉट टेकिंग डेल्टा जेड टेंस टू जीरो माइनस एफ ऑफ जेड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टू जीरो

सिंस डेल्टा जेड इज अप्रोच जीरो अलॉन्ग एनी पाथ ये किसी भी पाथ में जीरो अप्रोच कर सकता है तो हम लोग यहाँ पर दो एक्सिस लेंगे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हम लोग जानते हैं कि एक्सिस एक्सिस इज टेकन एज रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज टेकन एज इमेजनरी एक्सिस इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं ना इफ द अप्रोच इज और टेंडिंग टूवर्ड्स द पाथ इज अलॉन्ग द रियल एक्सिस अगर ये रियल एक्सिस के अलोंग में है सो so दैन ऑन एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस अगर हम लोग जानते हैं किस तरह से अगर हो हमारा ये एक्स एक्सिस हो तो एक्स एक्सिस में हर जगह पे वाई का जो पॉइंट होता है सबका वैल्यू क्या होता है जीरो होता है वाई इज इक्वल टू जीरो होता है एक्स एक्सिस सो ऑन द एक्स एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो तो वाई का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स क्योंकि तो ये तो हमारा जीरो हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो सो वी हैव लेफ्ट विथ जेड इज इक्वल टू एक्स सो so, इसका डेल्टा जेड इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो तीनों वैल्यू है डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा एंड इज इक्वल टू जीरो हम लोग इक्वेशन नंबर वन में सब पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एफ डैस जेड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स डेल्टा जेड था तो उसके जगह पे हो गया डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डो यू बाई डो जेड था जेड की जगह पर डेल्टा एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई टू एक्स न हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एक्सटेंस जीरो तो लिमिट पुट किया हुआ है तो डेल्टा को हम लोग चेंज कर देंगे पार्शल डिफ्रेंसिएशन में टोटल डिफेंसिएशन यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पार्शल डिफेंसिएशन यूज करें चूंकि यू जो है या वी या कोई भी ये फंक्शन जो जेड जो है फंक्शन है अलग अलग एक्स और वाई का फंक्शन है सो ये हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाई डो एक्स सो so, ये हमारे लिए एफ जेड के लिए हो गया इक्वेशन और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर टू नांग इमेजनरी वाई एक्सिस तो हम लोग जानते हैं कि वाई इक्वेशन ये हो तो हर वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू क्या होता है एक्स का वैल्यू जीरो होता है सो ऑन वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो सो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इसमें अगर हम नेक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हो जाएगा जेड इज इक्वल टू only i y so delta x is equal to 0 and delta z is equal to i times delta y ठीक है अब ये सारे values को कौन कौन से values को delta x is equal to 0 and delta z is equal to i times y delta y इसको equation number 1 में put करेंगे जो equation number 1 जो था हमारा पीछे था ये equation number 1 इसमें put करेंगे मतलब delta x के जगह पे और delta z के जगह पे और बाकी जरा जो टर्म है वहां पे हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो वी हैव लिमिट डेल्टा के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं आई टाइम्स डो वाई और डेल्टा जेड टेंस टू मीन्स डेल्टा वाई इज ऑल्सो टेंस टू जीरो सो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो डो यू डिड बाई डेल्टा जेड था यहाँ पे तो हो जाएगा आई टाइम्स डेल्टा वाई प्लस आई डो वी डिवाइड बाई आई टाइम्स यहाँ से आई और आई कैंसिल हो जाएगा सो ये हो जाएगा अगर ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में हो जाएगा आई और नीचे में हो जाएगा आई स्क्वायर और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन सो इट इज़ माइनस आई टाइम्स डो यू बाई डो वाई सॉरी डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई अगेन अगर लिमिट हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस आई टाइम्स डो यू बाई डो वाई प्लस डो भी बाई डो वाई ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर थ्री अगर हम लोग इक्वेशन नंबर टू और थ्री के लेफ्ट हैंड पार्ट को देखें तो दोनों है इसका right hand part भी equal होगा तो एक एक करके दोनों पार्ट को हम लोग इक्वेट करेंगे सो इफ एफ जेड इज डिफ्रेंस टू वैल्यूज ऑफ एफ डैस जेड मस्ट बी सेम ये सो सेम होंगे सो इक्वेटिंग टू एंड थ्री सो इक्वेशन टू है हमारा टू का राइट हैंड पार्ट है डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो भी बाई डो एक्स इज इक्वल टू माइनस आई टाइम्स डो यू बाई डो वाई प्लस डो भी बाई डू एक्स अब हम लोग क्या करेंगे इस तरह के जब भी इक्वेशन होते हैं तो हम लोग रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं रियल पार्ट वो होगा जिसमें आई का टर्म्स मल्टीप्लाई नहीं होगा इमेजनरी पार्ट वो हो जिसमें I होगा जिसमें आई का टर्म मल्टीप्लाई so, होगा सो यहाँ पे रियल पार्ट में ये है डो यू बाई डो एक्स और यहाँ पे रियल पार्ट में है डो भी बाई डो वाई सो वी हैव डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो भी बाई डो वाई पहला वाला पार्ट से हम लोग रियल पार्ट को जब इक्वेट किए तो ये इक्वेशन आया इमेजनरी पार्ट को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो ये आएगा डो भी बाय डो एक्स और माइनस डो यू बाय डो वाई आई को हम लोग नहीं लेंगे तो इसको अलग कलर से दिखाते हैं तो ये हमारा इसको अलग बॉक्स में हम इसको अलग कर सकते हैं या फिर इसको सिंपली रेड कलर में ही रहने देते हैं सो डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू माइनस डो यू बाई डो वाई ऑरेंज करके अगर कर लिखेंगे तो डो यू बाई डो एक्स इज इक्वल टू डो भी बाई डो वाई एंड माइनस साइन को इधर लेके आते हैं तो डो यू बाई डो वाई इज इक्वल टू माइनस डो भी बाई डो एक्स तो यही हम लोग को प्रूफ करता सफिसियंट कंडीशन में कि अगर कोई फंक्शन अनालैटिक अनालैटिक मतलब डिफेंशिएबल हो देन दैट फंक्शन द अनालैटिक कंडीशन इज do u by do x is equal to minus do v by do y and do u by do y is equal to minus do v by do x इसी को हम लोग कहते हैं कॉची रिमेन इक्वेशन और इसको कहीं शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं सी आर इक्वेशन दिस इज सी आर इक्वेशन ठीक है नाउ नेक्स्ट इज द सफिशिएंट कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी कंडीशन में क्या बेसिक डिफरेंस है नेसेसरी कंडीशन जो है वो फॉरवर्ड प्रोसेस है दैट मीन्स अगर हम लोग स्टार्ट किए हैं एनालिटिक फंक्शन से तो हम लोग रिलेशन के पास किए सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के रिलेशन को यूज़ करते हैं और लास्ट में प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे उसमें कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन है सो लेट एफ जेड इज़ अब यहाँ पे हम लोग शुरुआत में ही सफिसंट uh, कंडीशन में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को यूज़ करते हुए हम लोग सबसे पहले उस कंडीशन के सारे वैल्यूज को क्विरे में इक्वेशन को लिखेंगे एंड देन उसको लिखने के बाद फिर आगे उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये हमारा डिफेंशबल है और ये एनालिटिक फंक्शन है सो लेट एफ जेड इज़ ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है हैविंग

अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम सो so, टेलर्स थ्योरम जो हम लोग जानते ही हैं कि टेलर्स थ्योरम जो होता है वो एफ एक्स प्लस उसके बाद उसका डेरिवेटिव और डेरिवेटिव का फिर स्क्वायर और उसके स्क्वायर का फिर क्यूब इस तरह के फॉर्म में हम लोग आगे बढ़ते हैं सो एफ़ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई और वी के लिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एफ़ ऑफ जेड क्या होता है ऑफ जेड में ही हम लोग लिए हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू यू जो है फंक्शन है एक्स और वाई का प्लस आई टाइम्स वी वी आल्सो इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई सो इफ जेड इज रिप्लेस्ड और जेड इज इंक्रीज बाय जेड प्लस डेल्टा जेड देन अकॉर्डिंग टू दिस

ठीक है अब इसमें हम लोग कॉची रामायण इक्वेशन को सब्सिट्यूट करेंगे ये तो हमारा टेलर्स थ्योरम हुआ और बाकी हायर ऑर्डर टर्म्स को हम लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं अब हम लोग लिखे यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई प्लस डो यू बाई डो एक्स डेल्टा एक्स प्लस आई वी एक्स डेल्टा एक्स डो यू बाई डो वाई डेल्टा वाई प्लस आई वी डेल्टा वाई डो वाई ठीक है तो इसमें हम लोग ये जो हमारा क्या टर्म है ये तो हमारा सीधा सीधे एफ जेड है तो इसके जगह पे हम लोगों ने एफ जेड पुट किया डो यू बाई डो एक्स तो डो यू बाय डो एक्स यहाँ पर पुट किया डेल्टा एक्स दोनों में कॉमन है यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है यहाँ पर भी डेल्टा एक्स है तो ये हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो वी बाय डो एक्स डेल्टा एक्स नेक्स्ट यहाँ पर डोवाई और डोवाई कॉमन है सो डो यू बाई डो वाई प्लस आई टाइम्स डो वी बाय डो वाई डेल्टा वाई यहाँ पे हम लोगों ने लिखा इग्नोरिंग द टर्म्स ऑफ सेकेंड पावर्स ऑफ हायर पावर हायर पावर को हम लोगों ने यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया फिर से यहाँ पे हम लोग देख लें कि टेलस्थीरम को कैसे हम लोगों ने यूज़ किया है सबसे पहले तो यहाँ पे यू एक्स वाई को टर्म्स को लिखा ठीक है उसके बाद इसका जो ये डेरिवेटिव होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं सो so, डो यू बाई डो एक्स डेल्टा एक्स डो यू बाई डो वाई डो वाई क्योंकि यू जो है वो फंक्शन किसका है एक्स और वाई का फंक्शन है उसके बाद वी वाले टर्म को भी उस तरह से लिखा ठीक है अब इसके इमेजनरी पार्ट्स में हम लोग को लिखना है तो इमेजनरी पार्ट्स में यू एक्स वाई प्लस आई टाइम्स वी एक्स वाई लिखा उस तरह से इसमें इमेजनरी पार्ट को पुट करना था इमेजनरी पार्ट को हम लोगों ने पुट किया ठीक है इस तरह से हम लोगों ने इसको लिखा इसके बाद जो क्वाची रामायण इक्वेशन है उसको हम लोग हम यहाँ पुट करेंगे सो दोनों को माइनस करेंगे तो ये हम लोगों ने किसके किसके लिए लिखा ये तो सबसे पहले लिखा किसके लिए एफ जेड के लिए ये जो हमारा वैल्यू कंफ्यूज नहीं करना है ये जो वैल्यू है हमारा एफ जेड के लिए इसलिए मेरा यहाँ पे कोई भी आय का टर्म्स नहीं है है भी तो यहाँ पर अभी है ठीक है और ये जो हम लोगों ने लिखा है ये एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड के लिए लिखा है ठीक है तो या फिर इसको भी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सॉरी ये एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड यह सॉरी यह डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड है यहाँ पे अब ये वाला जो टर्म है यहाँ पे जो हम लोगों ने निकाला है एफ जेड इस वाले टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड और इधर हमारा हो जाएगा डो यू बाई टाइम्स एक्स डो यू बाई डोवाई प्लस आई डो यू डो भी बाई डोवाई डेल्टा वाई ना वी नो फ्रॉम द कॉचि रामायन इक्वेशन दैट इज डो यू बाई डो एक्स के जगह पे होता है डो v बाई डो वाई और डो यू बाई डोवाई के जगह पे होता है माइनस डो v बाई डो एक्स तो हम लोग क्या करेंगे रिप्लेसिंग डो यू बाई डो वाई एंड डो by बाई डो वाई बाई किस डो माइनस डो बाई डो एक्स से और डो यू बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे सो so, हमारा हो जाएगा टर्म्स हमारा रिप्लेस होके डो यू बाई डो एक्स यहाँ लिखे, फिर आई टाइम्स डो भी बाई डो एक्स डेल्टा एक्स डो यू बाई डो वाई के जगह पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं माइनस डो भी बाई डो एक्स और डो भी बाई डो वाई के जगह क्या पुट कर रहे हैं डो यू बाई डो एक्स अब इसको सॉल्व करेंगे So, हम लोग सॉल्व करने से क्या होगा कि यहां पर डेल्टा एक्स है यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे आई कॉमन लेंगे तो जब आई कॉमन लेंगे तो ये माइनस टर्म है तो माइनस को हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर ठीक है आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है माइनस वन आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस वन तो इसके यहां पे हम लोग लिखेंगे आई स्क्वायर और यहां से आई कॉमन लेंगे तो यहाँ से आई निकल जाएगा तो डो यू बाई डो एक्स हो जाएगा और यहाँ से आई स्क्वायर से एक आई निकल जाएगा तो क्या बचेगा आई सो आई टाइम्स डो भी बाईस अब ये दोनों टर्म जो है कॉमन है ये भी सेम है ये भी सेम है अगर देखें तो इसको अगर इधर कर दें तो सेम हो जाएगा तो दोनों कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो भी बाई डो एक्स तो यहाँ पर रह गया डेल्टा एक्स और यहाँ रह गया आई टाइम्स डेल्टा वाई ये हमारा क्या है ये हमारा है डेल्टा जेड सो हम लोगों ने यहाँ पर डेल्टा जेड लिख दिया अब इस डेल्टा जेड को हम लोग यहाँ पे आके डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड पार्ट में तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइड बाय डेल्टा जेड सो ये हो जाएगा डो यू बाय डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो भी बाय डो एक्स दोनों तरफ हम लोग लिमिट पुट करेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो लिमिट पुट कर कोई फायदा नहीं है क्योंकि डेल्टा जेड का टर्म्स है नहीं यहाँ पे तो सेम टू सेम ही रहेगा ये हम लोग जानते हैं क्या होता है ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दट इज एफ डेस जेड सो एफ डे जेड इज इक्वल टू डो यू बाई डो एक्स प्लस आई टाइम्स डो v बाई डू बाई इसी तरह से हम लोग वाई वाले टर्म्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं जो आएगा एफ डस जेड इज इक्वल टू डो भी बाई डू वाई माइनस आई डो v मतलब हम लोगों ने कॉची रामायण इक्वेशन को यूज़ किया और यूज करते हुए फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर डेरेवेटिव को फाइन किया सो ये हमारा कौची रामायण इक्वेशन का नेसेसरी एंड सफिशंट कंडीशन है जिस कंडीशन को यूज करते हुए हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स का यूज़ करेंगे हम लोग को मेनली ये टर्म याद रखना पड़ेगा ये जो है इक्वेशन ये हमको याद रखना होगा सिंपली हम लोग ऐसे भी याद सक सकते हैं यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी एक्स ये भी अगर हम लोग याद रखें तो इससे भी हमारा प्रॉब्लम बन जाएगा क्योंकि यू एक्स इज इक्वल टू होता है डो यू बाई डो एक्स वी वाई इज इक्वल टू होता है डो वी बाय डो वाई यू वाई इज इक्वल टू होता है डो यू बाई डो वाई एंड वी एक्स इज इक्वल टू होता है डो वी बाई डो एक्स यहाँ सेकेंड वाले में माइनस होगा प्लस वाले में प्लस होगा सो ये हमारा था कॉची नमेन इक्वेशन